कोरोना महामारी से लड़ने में पूरा देश एकजुट हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले नागरिकों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। कोरोना से जंग जीतकर एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, और ऐसे में लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के इकलौते एवरेस्ट पर्वतारोही माउंटेन मैन राहुल गुप्ता आगे आए हैं। कोरोना से लड़ाई जीत कर आने वाली पर्वतारोही सुमन के हौसलों को पंख देने के लिए राहुल ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के माउंट फ्रेंडशिप नामक पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कराई। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य था कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना। पूरी टीम यहाँ से गई छत्तीसगढ़ से दूसरे स्टेट में, फिर भी किसी को ना कोरोना का कोई सिम्टम्स ना कुछ, और सभी ना खांसी भी नहीं हुई और सभी सही सलामत यहाँ वापस आ गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। तो यही हम लोग सोशल मैसेज लेके गए थे कि कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट देना, और ऊपर गए और तिरंगा फहराया और यही मैसेज दे के मेरे आए। साथ चार टीम मेंबर और थे, ममता निषाद जी राजनांदगांव से, दिल्ली से विनीत सर, और पंजाब से पंकज सर थे, जो हम चारों मिलकर रूट ओपन किए बाकी टीम के लिए, जिससे हमारी टीम सक्सेसफुल सबमिट हो सके। तो ये काम हमारा था, और बाकी हमारी टीम ने बहुत अच्छी काम किया और अच्छे से हमारी टीम सबमिट की पूरी। छत्तीसगढ़ शासन ने उस पर सपोर्ट की है, जिस पर टूरिज्म बोर्ड के माननीय दामोदर साहू जी हमको फ्लैग ऑफ किए थे, और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड सपोर्ट किया था। जब ये पूरी टीम तैयार हुई दिल्ली में असेंबल हुई छत्तीसगढ़ भवन में, फिर हम लोग कूच किए मनाली की ओर। मनाली में लगभग ये 8 दिन का एक्सपीडिशन था, जिसे हम 5 दिन में पूरा कर गए, और 21 अक्टूबर को सुबह 11:08 में हम पर्वत श्रृंखला पर विजय हासिल किए, और सभी लोग वहाँ पर कोरोना वॉरियर को सैल्यूट किए, और यही हमारा मैसेज था। रायपुर में गुलमोहर के पेड़ से पत्तियों के गायब।